मौका दे और ताकि हमारे प्रोग्राम का नारे तकबीर
ओ मुझे इतना भर दिया मेहमान और मेहमान मैं आप लोग इस चीज का आपने सबूत दिया है। डोडी हाड़ी लठू मैं बड़े प्यार ओला है तबीयत का बड़ा है सादा वदिए इश्क से आया है उसका शहजादा। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस बड़ौट के अंदर आजाद खान साहब जैसे, गनी ख्वाजा साहब जैसे, महमूद ख्वाजा साहब जैसे और महमूद सरपंच दुंदक इन जैसे और इनके एक साथ एक जम्मे कफीर जो यहां आया है, हम दिल की उम्मीद के रायू से उनको वेलकम कहते हैं। इकरार जिसने रब्बे तआला जी खला का पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। ब्रदरान इस्लाम आज के मेहमान खुसूसी जनाब अकरम साहब लोग तशरीफ लाए हैं और यहाँ हाड़ी के डोडी सोलिया मढ़ोट के लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने जनाब हमारे मेहमान तो बात इस तरह से है कि कबल जी इससे पहले भी करीब 50 साल से पहले भी हमने लसाने के घर को नहीं छोड़ा है। यहाँ जितने मढ़ोट और सोलिया के ये लोग हैं इन लोगों ने जनाब बाबा जी साहब का लड़ नहीं छोड़ा है और उनकी नजर है इस इलाके पे। ज्यादा तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद मैं स्टेज को छोड़ दूंगा। एक मशवरा है, एक शहादत है, एक गवाही है, लेकिन याद रखना मेरी बात, हाड़ी और मरहोट की बागयूर अवाम वोट एक शहादत है। अगर गवाही जालिम के हक में दी जाएगी खुदा की कसम कयामत के दिन पकड़े जाओगे। और याद रखना अगर एक गरीब की आह भी दुनिया में निकल गई मेरी गवाही की वजह से, अल्लाह के हाँ पूछोगे और अल्लाह की बड़ी पकड़ बड़ी सख्त है। याद रखकर और समझ और सोच कर वोट देना। खुदा की कसम अकरम साहब हमने आपको वोट नहीं दिए, 2014 में एमएलए इलेक्शन के हमने वोट नहीं दिए इनको, लेकिन बगैर वोट दिए इन्होंने हमारे मोहल्ले में रोड़े पहुंचाई और हमें हैंडपंप लगवा के दिए, अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, हमें शर्म आ गई, लेकिन हमें संतोष नहीं है खुदा की कसम। इंशाल्लाह इज्जत है ही इज्जतदार के लिए। लेकिन जब मैं चौधरी अकरम साहब से मिला तो मेरी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, वो महज सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बड़े मजले में वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ भी हो सकती है कि जो आजकल ये हवा चल रही है कि किसी नौजवान को मौका दिया जाए, किसी नौजवान को मौका दिया जाए। अरे हमारे चौधरी अकरम साहब भी तो नौजवान ही है, क्योंकि उनके काम इस बात के सबूत देते हैं कि वो नौजवान है जो मैं और आप सब लोग जानते हैं। महोट के इस वादी में हाजिर आए चौधरी साहब अकरम साहब की जात किसी तारफ की मुताज नहीं है, ये एक खुली किताब है। जिस खानवादा से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक नहायत ही ईमानदार और आला पैमाने का खानदान है। और इनके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम की जो जात है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं, वो इकदार में रहे पार्टी के वफादार रहे, वो इलेक्शन हारे तब भी पार्टी को नहीं छोड़ा। मैंने एक बार फारूक अब्दुल्ला जी से, वजीर आला थे,
सुर रिपोर्ट में मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि चौधरी असम साहब आप अगर जीत नहीं पाए तो आप हमारे पास आइए। उन्होंने कहा था आप अपनी जगह भीतर मैं अपनी जगह भीतर। चौधरी अकरम साहब उन्हीं के फर्जंद ने अर्जमंद हैं क्योंकि हमारी कौमी एक ऐसी है कि ये जज्बा पे आ जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं तो जज्बा पे नहीं आता हूँ मगर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ आके जो कुछ देखा आपका हमें दरिया के पार ये बोला जाता था कि इस बार जो है वहां से बड़ी हमारी कमजोरी है। हमने यहाँ आके देखा है कि इंशाअल्लाह हम लोग मजबूत हैं लेकिन दिलों की धड़कनें जब तेज होती हैं तो वो फैसला कर देती है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे सुरनकोट के गयूर मुसलमानों ब्लॉक ए के सपूतों हाड़ी और मनहोट के शेरों मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी गैरत को सलाम करता हूं और अकरम साहब की बारगाह में ये जरूर गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर इकबाल साहब ने बहुत पहले यूथ को तैयार कर रखा है, यूथ को तैयार किया था और ये कह दिया था तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबरा है उठा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो मेरा सुरनकोट एक जो कंस्टिट्यूएंसी है मैं उन तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि एक तारीख को जब आपकी पोलिंग होगी हाथ पे मोर लगाना है जिसका मैं कैंडिडेट हूं और इंशाल्लाह ताला हाथ की कामयाबी है, मुल्क की कामयाबी है, हमारा आप लोगों की तरक्की है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक पोलिंग है और तमाम अपनी मेरी माएँ बहनों को बहुत जल्दी लेकर पोलिंग स्टेशनों में पहुँचें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हाथ की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा।